क्या सई जो है वो सत्या को लेकर बड़ा स्टेप ले सकती है, क्योंकि वो बार बार यही देख रही है कि विराट जो है वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होता जा रहा है। वो ये लगातार देख रही है कि विराट जो है वो पाखी को छोड़कर अब सई में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ये देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, क्या सई जो है वो बड़ा फैसला ले सकती है। सिचुएशन कुछ कुछ सेम अब चलने वाली है, जहां पर आपको बता दें कि सत्या को जो है वो सई से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि सिचुएशन अभी ये लग रहा है। यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो सत्या है वो सई को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। इरिटेट तो नहीं कह सकते हैं, बल्कि सत्या जो है वो सई की काफ़ी केयर करता नज़र आता है, लेकिन जो सही है वो उससे काफ़ी इरिटेट होती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की शुरुआत जो है वो इरिटेशन से ही होती है, गुस्से से ही होती है, लेकिन इस गुस्से में भी प्यार नज़र आता है। हालांकि सही की तरफ से कुछ भी नहीं है, सही जो है वो काफ़ी कुछ सुनाती रहती है सत्या को, लेकिन सत्या के दिल में कहीं ना कहीं से सही एक घर बनाती जा रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो सत्या की माँ है वो सही को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है और वो सही से चाहती है कि सत्या उसे शादी कर ले। यहाँ पर विराट जो है वो आ जाता है और विराट जो है वो सही का दुपट्टा निकालता है। तभी यहाँ पर जो सत्या है उसकी माँ उल्टी सीधी बातें बोलती है विराट को और कहती है कि ये सब क्या है, 2 मिनट में लफंडर गिरी जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई गुंडा है जो कि सई को छेड़ रहा है। यहाँ पर सई जो है वो बहुत हैरान परेशान नज़र आती है, क्योंकि यहाँ जो है वो सत्या की माँ जो है वो बोलती नज़र आती है कि किसी भी तरीके से तुम जो है वो मेरे बेटे को मना लो, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता है। और साथ ही साथ वो सही से कहती है कि प्लीज़ तुम समझाओ कि शादी बहुत ज़रूरी होती है और उसे शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सही है वो लगातार बातों को सुन रही होती है। अब ऐसे में क्या सही जो है कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि अब जब सत्या को ये सारी बातें पता चलेगी कि सही की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, तो शायद हो सकता है सत्या जो है वो अपनी बात कहे सही को और वो चाहे कि वो जो है सही के साथ रहे और वो सही से अपने दिल की बात बोलता नज़र आ सकता है। और ऐसे में यहाँ पर सही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि वो देख रही है कि विराट जो है वो लगातार उसके पीछे नज़र आ रहा है और विराट जो है वो लगातार सही के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो पाखी को लगातार इग्नोर कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रखा है चौहान हाउस में। तो ऐसे में अब सही क्या सत्या के पास जाएगी? हालांकि साइरोट के मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और कहीं ना कहीं से सत्या की इन्वॉल्वमेंट इसी वजह से हुई है ताकि सई और विराट करीब आए। ख़ासतौर पर यहाँ पर जो विराट है उसे इनसिक्योरिटी हो कि सई जो है वो किसी और की ना हो जाए, क्योंकि आप सबको पता ही है कि विराट क्या हरकतें करता है। लेकिन ये अलग बात है कि आजकल विराट जो है वो सई के फेवर में चीज़ें करता नज़र आ रहा है और यहाँ पर पाखी जो है वो किसी अलग धुन में ही नज़र आ रही है। वो पाखी से बात करने की कोशिश करता है, वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी यहाँ से जाए। हालाँकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि सई यहाँ से जाए, एक खूबसूरत सा सपना भी उसने देखा है। अब ऐसे में यहाँ पर सई बड़ा फैसला ले सकती है, हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी भी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।